आइए एक अनमोल रचना आप लोगों के बीच में। नुकार है संता की माया, संत जाने आम आदमी नहीं जान सकता, इनका मन में कीज है। उन संता का जिक्र है जो पहुंचे हुए संत हैं। ना दगन खरे लाल लतड़े पैर लेंगे, भगवा बाणा कर लेंगे और सारा दिन भीख मांगते फिरेंगे। एक तो उसे भिक्षा और एक उसे भीख। वो भिक्षा नहीं मांगते, वो भीख मांगे हैं। 10 रुपये की छेब ले लेंगे, 5 की छेब ले लेंगे, 150 से 200 इकट्ठे हो जाए चाचा, अरे सान न जाएंगे फिर ठेका गन्ना मल्टी मल्टी, और फिर बराबर में दुकान भी दे दे। इसे ये संता का जिक्र नहीं है, संत नहीं है ये, तो कलंक है हमारे संतों के ऊपर, इनका जिक्र नहीं। एक पहुंचे हुए संत की कथा, एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए। शिखर दुफारी का टेम, शिखर दुफारी का टेम, सारी दुनिया जेठ का भी ना, कोई एसी तड़स हो है, कोई कूलर लगा रहा, कोई पंखे चला रहा, कहने का मतलब उसे जेठ का इतना कड़ा गम पड़े मुताती लू चल रहा सारी दुनिया सूती। अरे एक बाबा जी शमशान मांड है, नूनत नून चक्कर काटता फिर, एक सोनू वर्गा भाई भगत जी चौबारा में लौट रहा एसी में, ठंडी बिल्कुल बढ़िया बाढ़ लागे, और माड़ी ही खिड़की खोल के देखने लग गया बैर की सा मौसम है, एकदम से ध्यान पड़े शामी शमशान थे उन्होंने देखा रहा ओके शक्कर तो भारी हो रही 1:30 बजे। अरे बाबा जी बोला दे सारी दुनिया, कोई कूलर नीचे आराम कर सको, एसी में लौट रहे सको, पंखा चला रहा। अरे बाबा जी देखो बोला नहीं है, दो फारी में इतना बढ़िया सरमरा होड़ा कौन बैठता है शमशाना में, की लिंदा फिर नून तो नून चक्कर काटे भाई ने, देखते ना घनी देर होगी रहा नहीं गया। सोचो क्यों नहीं मैं रोला था बाबा के टो है, ले मैं समझाया हूं बाबा लू छेद जाएगी भी तेरा शर्म में बैठ जा। वो आदमी कहने का मतलब यू है लोगो, उसे टेम उतर के पेड़िया मगर अपना सीधा उस बाबा जी दो रजा पहुंचा। अरण जागर बोले आदेश महाराज जी ने, बोले आदेश बच्चा न, बोले बाबा एक बात कहना आया हूं, बोले हाँ बोलो बेटा, न बोले बाबा जी सारी दुनिया आराम करने लाग रही है, शक्कर तो भारी हो रही है, तू क्यों बोला हो रहा है सब भूडा गांव में जड़न लाग रहा, और के करता फिर है तू, कदे नून न जाओ चक्कर काट, कदे उरा ना हो सके, कदे नून जाओ से के करे तू। बाबा जी ने बोलिया तेरे समझ में कौन है, अब बच्चा तू जाके सो जा, अपनी नींद काट ले, रेस्ट कर ले, मेरा तो काम ही ना बाबा, पूछण खातर आया हूं, बता के बात से के टो है। बाबा जी ने फट देसी एक चिता, जैसे जलाते हैं शमशान में जगह जगह पे चिता जलाई जाती है, चिता की राख ठाली मुट्ठी भर ली, अरे इस मुट्ठी में ले रहा, दूसरी थोड़ी सी दूर पर जगह पर एक और चिता की राख पड़ी थी, दूसरी मुट्ठी में वह भी राख ठाली। उस आदमी पर रुकिया ने कहा, बोले बाबा तू करे की है, कदे उस राख की उस चिता की राख ठावे से, कदे इस चिता की राख ठावे से, तू कर की रहा दुफारी में बोला हो रहा है। न बोले बच्चा मैंने तेरे को कह दिया तेरे समझ में नहीं आओगा, तू घर जा। न बोले बाबा मैं भी पक्का जिद्दी आया सु, मानूंगा लेकिन जब मानूंगा जब तुम ने बता देगा। ना बोले जब पूछना है चाहो ना, ए यू दूर पेडा रहे पेड नीचे बैठ जा, मैं जो करूं मन करने दे, और जब मैं बताऊंगा तो तना बढ़िया बात पाओगी कि मैंने कि मैं ईसा ईसा राज टोन लाग रहा हूं। बोले बाबा जी के राज टो है बता तो दे। न बोले बच्चा आड़े सारे डाल के लोग फूक रखे हैं तारा गांव के, जो जो मरे है ना सबकी चिता जलाई हुई है, सबकी राख ठंडी हो रही है, राख उड़े से बेटा मैं तो राख में फर्क तो हूं, राख में फर्क है बाबा की ही बात करे, बोली बोली बात करे, राख तो राख हो राख में के फर्क हुआ था है बाबा, तू भी बोला है नोला कहूं था ना तेरा समझ में नहीं आवे, जा भी जा सो जा। बोला ना बाबा कि मैंने और बात से न, बोला फिर सुन भी पूरी बात सुनिए ध्यान, तो मैं केट हूं। आदमी साइड में पेट था उसके नीचे बैठ गया, और बाबा जी कदे उस चिता की राख ने ठावर, कदे उस चिता की राख ने ठावे। न बोला बेटे मैं इसमें फर्क ढूंढ रहा हूं। बोला किसा फर्क है? न बोला सुन किसा फर्क तुम, बाबा जी एक बात में क्या कहते हैं सुन, देख के समसाना की राख नहीं कोई फर्क नजर आया, एक एक बोल सुनियो, देख के समसारा की राख नहीं कोई फर्क नजर
बात लाख लाख रुपया की है। सुनियो ध्यान ते, पूरा जोर ला रखा कवि ने लिखना लगे, समय एक एक बात सुनियो। सबसे पहले बाबा जी न्यू कह लग गया, बच्चा न्यू बता या किसकी चिता की राख जड़ में खड़ा हूं। नु बोलिया बाबा जी यू तो उस आदमी की चिता की राख जो महारा गांव का सबसे बड़ा चौधरी होया करदा, जिसके इतने रुपये थे जिसका कोई घाटा नहीं, और जो बात इसने कह दी नहीं गांव ने कदे मोड़ी को ना, सारे मान्य अर्दे इसकी बात ने, और बाबा इसने रोटी तो कदे खाइए को ना, बोले और के खारदा, बोले काजू बादाम किशमिश छुहारे माल खारदा बाबा, आय सा लाल तक तक चेहरा बलिया करदा, देई मता कति जब चालिया करदा ना धरती आ तैयार थी। बाबा जी ने ठाई राख, अरे एकदम से न्यू करके राख रूटी फिर मुट्ठी बीच ली। न बोले बाबा तू के कर है, न बोले अरे मैं करूं सुख, मैंने बोले बता तो दे, तने पूछ भी नहीं फिर बताई भी नहीं के कर है। न बोले अरे तुनू कह यू आदमी काजू बादाम किशमिश छुहारे माल खारदा, बोले खूब खारदा बाबा। न बोले मैं तो इस राख में वो बोझ उठाऊ हूं, बोलिया कौन सानू, बोलिया वो काजू बादाम किशमिश वाला बोझ कड़े गया। न बोलिया बाबा तू बोला होगा, बोलिया कहते बोलिया राख तो राख हो बोझ कड़ता हो था। न बोलिया इे तरह समझ में नहीं आई, नंबर एक पर बाबा जी क्या कहते। चक्कर काट के बाबा दूसरी चिता की राख दर्जा खड़े, न बोले बच्चा या किसकी चिता की राख से, न बोले बाबा यू मारे गांव का सब तक कंगाल आदमी था, इसके खान ना कदे ढंग दाने नहीं जुड़े बेचारे के, और बाबा मरने मर गया कदे पूरे कपड़े दस में आए कौन, बेचारा का ब्योते नहीं होया, पजामा जमा लिया था कुर्ता रह गया, और ना तो बलियान बलियान मान डर था बेचारा, बड़ा करीब था और रोटी नहीं मिली इसने कदे पेट भर, बड़ा कंगाल था बेचारा। बाबा जी ने उसकी चिता की राख एक मुट्ठी में तो उठाए रहा था पहले साहूकार की राख, दूसरी मुट्ठी भरनी उस निर्धन कंगाल की चिता की राख की, और दोनों मुठिया ने मापन ला गया। वो आदमी ने बोला बाबा की माप है, न बोलिया रही भी नहीं समझा, न बोला नहीं, न बोलिया मैं नू मापू हूं के साहूकार की राख में तो बोझ पाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो तो ठाठ हो गया करता माल खाया करता मेरे, यार बोझ होना चाहिए उसमें तो, अरे यो निर्धन आदमी था कंगाल, इसने करे कदे पेट भर भोजन नहीं मिला, इसकी राख आलवी होनी चाहिए। न बोलिया बाबा तू बोला हो गया, बोला क्यों, बोला राख तो राख हो, इसमें के फर्क हो था, न बोलिया अरे फरके तो टों फरके तो कौन पाता, इससे इतना बोझ इसमें है, अरे इतना बोझ इसमें है। न बोलिया बाबा मेरे भी नहीं समझ में आई, न बोलिया अगली कली में समझाऊंगा कैसे, बोला जिसके अंत की।
धन्यवाद भाई, भगवान आपको बनाए रखे। देखो इब सारे मेरे का नहीं ध्यान करो, या सुनने की बात आ गई, ये तोड़ आ गया कति। ईब जब उस आदमी का किमें समझ मनी आ, बोलिया बाबा जी मेरे तो तेरा खेल समझ मानदा नहीं, मत जाऊं हूं। नो बोलिया पहले कहूं था ना बड़े मेरा खेल में। नो बोलिया ईब जान मैं नहीं दू तने, ईब सुन के जाना पड़ेगा। धक्के तो बाबा जी ने आदमी उड़े बिठा लिया। नो बोला अरे मूर्ख ईब भी नहीं बोल पड़ी बिलाना। बोलिया सुने और तम भी सुनियो समाज के लोगो, मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, आप भी इसी समाज के लोग। जिंदा जी आदमी न्यू कहा मेरे से बस कोठी दो, मैं हूं सप्त सूत्रा, मेरी बहु सप्त सूत्री है, मेरे है बालक शेर वर्ग मुंह वाले, मेरे छोरी बढ़िया से, मेरा रुपका रोड़ा से बस काम, मेरे तो फालतू रुपये नहीं है किसी का, मैं हूं पहलवान, मेरी ये राम रमी गणी है, मैं चौधरी हूं। जिंदा जी अपना अपना न्यू सोचेगा कि मेरे से बड़ा तो कोई भी नहीं, मंडम पाटे रहेगा। हर एक आधा आदमी साहु जिसके खान दाने भी ना हो, लेकिन जब वो बड़ा आदमी जिसने आप बड़ा मानते हो वो भी मर जाता है, उसको भी जलाया जाता है चिता में ऊने लकड़िया में, और जलने के बाद वो भी राख बन जाता है, और जो इसका खान न ढंग दाने ना हो वो आदमी भी जलाया जाता है और उसकी भी राख बन है। एक बात बताओ लोग, गौतम भी समझदार हो, सब भगवान के घर हम चले जाते मरने के बाद, जब सबकी चिता की राख एक जैसी होनी है तो फिर आड़ फर्क किसा बताओ, उस मालिक के दरबार में सब एक है, आड़ फर्क किसा बताओ। कोई नहीं कहे मैं ऊंची जात का हूं तू नीची जात का हो, तड़ा बैठ जा खाट पर नहीं बैठना, नीचे बैठ मारे मटके में तो पानी ना पिए, मैं पियाऊंगा वो कर ले, वो कहगा गूट नहीं मारने दूंगा, मारा होका न्यारा है। की बात भाई, जब मरने के बाद सब ने उस भगवान के दरबार में जाना है, सबकी मेड़ बराबर है, तम के इस पृथ्वी के मालिक सजो इतना भेदभाव करने लग रहे, गलती नहीं है, मैं तो सरासरी गलती मानता हूं इसी। जब उसके घर में कोई फर्क नहीं है तो तम कौन फर्क करने वाले, किसने बनाई जाति पाती भगवान ने नहीं बनाई, भगवान सिर्फ जन्म देता है, किस हिसाब से देता है, जो जी से कर्म करो उसी हिसाब से जन्म देता है। इवन्यू ना कहियो हमें ऊंचे कुल में पैदा हो रहे, ऊंचा कुल कौन सा वगैरह है, जात तक कोई ऊंचा नहीं होता, कर्मा तो ऊंचा हो। उदाहरण दूंगा, रावण की जाति के थी सोनू भाई, ब्राह्मण था ना, पंडित चार वेदा ज्ञाता शास्त्र का ज्ञाता, सारा सोता बेरा था, सारा सोता काबू करे बैठा था। आज भी रावण के पुतले फूके जाते क्यों, रावण का घमंड इतना हो गया था दादा नु का अर्धा, ये बिगाड़ेगा और राम मेरा के ले रहा हूं वनवासी, चुटकियों की ऐसे चुटकियों में मसल दूंगा मैं उसको, और फिर उस वनवासी ने मारा वो देख ले, नहीं मारा तो बता दो रामायण पढ़ के देख लो। आज भी पुतले फूके जाते रावण के, ब्राह्मण कुल में जन्म ले कभी कलंक ला गया, अरे एक दादा परशुराम जो भी ब्राह्मण, आज भी पूजा होती पहले भी हार दी, और जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे दादा परशुराम की पूजा होगी, क्यों कर्म बढ़िया कर गया। एक के जाति में दो पैदा हुए, एक न लोग गाड़ते हैं एक न पूजे हैं, इवन यू बताओ जाति का कोई मैटर रह गया, मैं तो नहीं मानता कर्म सबसे बड़ा। मेरा एक भजन सुनना कभी समय मिले, नवल्या ना रोड़ा जात पात का सब खेल बताया कर्मों का, नवल्या रे ब्राह्मण हो के बुरा को आ गया रावण वेदों का गया था, अर झूठे वेद राम ने खाए सबरी को कह के माता, सबरी कौन थी बेरा है भील की छोरी, जवानी में राम के नाम लेने लगी थी बुढ़ी होगी पर राम का नाम लेना नहीं छोड़ा, जब राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते पहुंचे वह बुढ़िया माता ने बोली राम जी आप पे, बोले हाँ जी मैं, राम लक्ष्मण जी के पाया में पड़ की रोन लगी, भगवान राम ने उसको उठाया, बोला के करी है पाया में मस्तक ना टेको, मैं टेकूंगा तुम्हारी माँ कान की है, छाती का लालिया राम रोन लगी, न बोले माता भूख लगी, बोले भूख लगी है रोटी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं रोज हर रोज फल लेके आती हूँ तोड़कर पेर ले आई हूँ तर खतर, नुबला कड़े से भीतर दे ले आई एक डालड़ी सी काट के, नुबली लियो इस मत खा लियो जी, राम जी पेर ठाण लागे, नुबली रुक जाओ न्यू नहीं खाने, बोला के बात, बोला ना हो सकता है पेर खट्टा हो, बोला फिर के करूँ, बोला मन दे बिलने ने अपने हाथ में कटोरा सा जो भी ले रही थी वो ले लिया, सारे पेर झूठे कर दे जुन सा खट्टा पाओ वो बगा दे जुन सा मीठा पाओ उस मत ले, इतने बेर कट्ठे करने बोली प्रभु सारे चाख लिए ये मीठे मीठे राख लिए भी न खा ले, भगवान राम लक्ष्मण का मुंह कान देखकर लक्ष्मण राम का मुंह कान बोले अरे देखिए भक्ति रे आए रे कितनी बोली है रे यार, राम ने बोले खाऊं मैं भी गुना, बोले क्यों
नवले मेरी धर्म की मां बुरकी से अपने हाथा तक गवा दे, लोगो इतिहास गवाह है। वह बिलनी हाथा तो बेर था, वो उसके बुढ़ापे में हाथ कांबर राम जी के मुंह में बेर दे, राम जी ने खूब बेर खाए, बताड़ी बताओ। है जगत का पालनहार परम पिता परमात्मा जी ने मानना था भगवान राम रे, अरे उसने बिलनी के हाथा तो बेर खाए लोगो। जे राम जी न्यू जाति पाति न मानना तो पहले न्यू पूछ लेंदा ताई तेरी जात की है, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं कराया। बोला हे मैया मैं तो भाव देखता हूँ भगत का किसा भाव है। उस सबरी का हाथ से भगवान राम ने बेर खाए लोगो, और तम न्यू कहो हो हमारी खाट पर ना बैठो। है क्या ये, सुनो मेरी बात, कुछ मर्यादाएं कायम करी है। जे मर्यादा में है तुम्हारी बाण है, मर्यादा में है हमारा बाप से, मर्यादा में है हमारी माँ से, मर्यादा में तुम्हारा भाई है। जिस दिन मर्यादा तोड़ दी हमारा कुछ नहीं लगता भाई, सुन दो इस चीज ने लागू करो समाज में। ये जाति पाति क्या है, मैं तो इसको मानता ही नहीं। ये अगर घरे तमने को है नीची जाति वाले, वो एक मना अपनी आख्या देखाओ विद्वान जी बन रहा पूरा, अरे एक अंडा की रेड़ी पकड़िया दादा, अरे अंडा की रेड़ी अलग रोड़ा कर रहा, उसका शर्प चढ़ रहा। एक मेरा वर्गा विज्ञान बोला राम राम जी, बोला राम राम, बोला जी क्यों रोड़ा कर रहे हो झंडा की रेड़ी अलग, बोला रे इस मूर्ख ने अकले नहीं, बोला के बात होगी जी क्यों ताते हो रहे हो। नोबला मैंने इसको ये कहा था कि आज मंगलवार है, मेरा व्रत है, हर मेरी इंडिया की भूजी में प्याज ना डालिए। सर हमजा दिन बोले मेरी इंडिया की भूजी में प्याज गिर दिया, बताओ इसी से मूर्खा का सह कि मैं इलाज है, बर्फती है इंडिया की भूजी तू खान लाग रहा सर नुगे प्याज है क्या ये। इतना बढ़िया सिस्टम होया करता मेरे देश का, सारा बिगाड़ दिया। ऊंचे कुल जी ने कहा कर दिया, उनमें भी नीच पैदा हो गया। सुनो कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई जाति नीची नहीं है, एक नीच आदमी कितने भी पैदा हो उसमें है, कहीं भी जन्म ले सकता है एक नीच आदमी। इसलिए जन्म से बड़ा नहीं है इंसान, कर्म से बड़ा, जो जिसे कर्म करेगा उसा को आवे। अरे भाई इस ऊंच नीच ने छोड़ दो, आदमी देखा रो किस डाल का है, उसके साथ मित्रता कीजिए, बढ़िया होना चाहिए। नकली बतेरे हूं तो ऊंची जाति का बना फिर सर किसी की बाण बेटी पा जाओ नू कटूरोगा तो घरा की में नहीं सर के बड़ा इलिश ऊंची जात का वो फायदा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों कर्म बढ़िया करो, और जब परमात्मा के दरबार में जाएंगे सबके लिए बराबर एक के भगवान है, दूसरा नहीं है, एक के बयान ले है सबके जो जिसे करे है। जब वहां कोई फर्क नहीं है तो यहां भी कोई फर्क मत करो, मैं समझाना ये चाहता हूं। इस भेदभाव को खत्म कर दो आप। नंबर 3 पर कैसे लिखा।